दोस्तों ये सोशल मीडिया का जमाना है, रातों रात कौन प्रसिद्ध हो जाए कुछ पता नहीं है। सोशल मीडिया ने हमें प्रिया प्रकाश वारियर से मुखातिब कराया तो सोशल मीडिया ने ही डब्बू अंकल को पूरी दुनिया में प्रसिद्ध कर दिया। हालांकि कभी कभी कुछ नकारात्मक चीजें भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो जाती हैं जो हमारे समाज पर बहुत गलत असर डालती हैं। आज मैं खुश इसलिए हूं क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से एक दबी हुई, छुपी हुई और समय की प्रतिकूल परिस्थितियों द्वारा शोषित प्रतिभा हम लोगों के बीच आई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रानू मंडल की। कुछ दिनों पहले रानू का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो लता जी का एक गीत एक प्यार का नगमा है गा रही हैं। सोशल मीडिया यूजर्स को वो वीडियो इतना पसंद आया कि लोगों ने उसे दिल खोल कर शेयर किया। देखते ही देखते वो वीडियो बॉलीवुड तक पहुंचा और हिमेश रेशमिया ने उन्हें अपनी आने वाली फिल्म में गाने का मौका दे दिया। उस गाने के कुछ अंश सोशल मीडिया पर इस समय तेजी से वायरल हो रहे हैं। कहते हैं कि हर काम के पीछे कोई ना कोई माध्यम होता है, तो आइए जानते हैं रानू की किस्मत बदलने वाले उस शख्स की जिसके बनाए एक वीडियो ने रानू को फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया। रानू पश्चिम बंगाल के रानाघाट स्टेशन पर गाना गाकर गुजारा करती थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रानू मंडल की शादी मुंबई के बाबुल मंडल से हुई थी, लेकिन कुछ समय बाद उनके पति का देहांत हो गया जिसके बाद रानू वापस बंगाल चली आई। यहाँ आने के बाद इनका कोई सहारा नहीं था। भगवान ने गायकी का हुनर दिया हुआ था, रानू ने इस हुनर को अपनी दो वक्त की रोटी का जरिया बना लिया और रेलवे स्टेशन पर गाने गाकर भीख मांगने लगी। जब वो गाना गाती तो इसके बदले में लोग उन्हें कुछ खाने पीने की वस्तुएं दे देते थे। उन्हें कईयों ने गाते हुए देखा भी, लेकिन अक्सर लोग उन्हें अनदेखा कर देते थे। रानू अक्सर पुराने गीत ही गाती थी। ऐसे ही एक दिन रानू गाना गा रही थी तभी वहाँ एतेंद्र चक्रवर्ती स्टेशन पर मौजूद थे और उन्होंने रानू का वीडियो बना लिया। एतेंद्र ने यह वीडियो अपने फेसबुक अकाउंट से शेयर किया और उसके बाद क्या हुआ वो हम सभी जानते हैं। रानू जब हिमेश रेशमिया के लिए गाना रिकॉर्ड कर रही थी उस वक्त एतेंद्र भी स्टूडियो में ही थे। एतेंद्र को खुद भी यकीन नहीं आ रहा है कि उनके एक वीडियो ने कैसे रानू की जिंदगी बदल दी। रानू को मौका देने के लिए एतेंद्र ने हिमेश रेशमिया को शुक्रिया कहा। वीडियो वायरल होने के बाद एतेंद्र लगातार रानू के संपर्क में है। एतेंद्र पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और रानाघाट में ही रहते हैं। तो दोस्तों इस पूरी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में धैर्य और कठिन परिश्रम की बहुत आवश्यकता है। अगर आपके पास भी कोई टैलेंट है और आपको लगता है कि मेरा टैलेंट लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है तो कभी निराश मत होइए, लगे रहिए, एक दिन किस्मत जरूर बदलेगी। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ नारद टीवी के फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक करें ताकि वहां से भी आपको नारद टीवी से जुड़े अपडेट मिलते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए।